सुबह के 7:15 हो गए और अभी जो है वो बच्चों को रेडी करने लगी हूँ स्कूल जाने के लिए। तो दोनों की यूनिफॉर्म जो है वो मैंने रख दी है यहाँ पे। सुबह सुबह जो है वो हमारी ये स्टार्ट हो जाता है हमारा रेडियो और ये सारा दिन ही बंद होता है। इस बच्ची को पता नहीं क्या मसला है, लेकिन सुबह उठते ही रोना स्टार्ट करना है और सोने तक रात को इसने ऐसे रोते रहना। और बात क्या होती है, मम्मा मम्मा मम्मा, आगे से बात कोई भी नहीं बताती कि मुझे करो क्या या मुझे क्या ना करो। तो बहुत कम ऐसा होता है कि ये हंसी खुशी उठे और ये हंसी खुशी खेले। तो अभी जो है वो मैं वजीहा नाश्ता करके आ गई और इसको तैयार करती हूँ, और फिर जैसे ही मोहम्मद आता है फिर उसको भी तैयार करूँगी। चलिए जिया, पाँव आगे करो, पाँव आगे करो ना थोड़ा सा। हो गया, हो गया। वाटर बॉटल ले जानी है, नहीं। ये आप भी की वाटर बॉटल पकड़ो। मोहम्मद और वजीहा चले गए हैं दुकान में, हम वहाँ खड़े होंगे और बाबा जी जाके इनको छोड़ आएंगे स्कूल। और जिया की वाटर बॉटल यशवा ने उठा ली। चलिए यशी, अभी बच्चे जो हैं वो बाबा जी से पैसे ले रहे हैं। ये बोतल ले के आइए। आपने ले लिया मोहम्मद? चलो पॉकेट में डालो। बोतल, वाटर बॉटल दे दे आप को। फिर चीजें भी लेके जानी आप लोगों ने? बेटा गंदी चीजें नहीं खाया करो, गला खराब होगा। बाबा जी के भी इतने लाडले हैं ना, ये कहते हैं जितने इतने निकाल के इनको चीजें भी दे देते हैं, पैसे भी निकाल के देते हैं। मैं मना करती रहती हूँ कि ना दिया करें, वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, इन बच्चों के सदके ही खुदा हमें दे रहा है, तो बच्चे तो पेट भर के जी भर के खाएं। पेट तो खैर बच्चों का भरता ही नहीं है। चलिए यशु आप बैठो इधर जाओ। अभी जो है वो मैं यहाँ पे दुकानदारी करूँगी क्योंकि बाबा जी बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। अभी ये बच्चे आए हैं तो इनको चीज़ देते हैं। और बेटा क्या लेना है, पैसे तो क्या लेना है? 10 आपके। इधर दो, आपने क्या लेना है? निकाल लो, आपके 10 पूरे हो गए, आप लो। चलो ठीक है, आप बताओ कौन सी नामी? वाली चॉकलेट। बस हो गया, ये 10 कही है, आपने क्या लेना है? अच्छा ठहरो, वो बच्चों को चीज दे दूँ। कौन सी लेनी है? 10 वाली। ये वाला वेलकम वेलकम वेलकम। आपने क्या लेना है? नामी पापड़ ये वाली नामी। चलो लो, क्या लेने बेटा जल्दी करो। ये लो खोल के देखो क्या निकलता है। मुझे भी दे एक, ये क्या निकला आपका? 1 रुपया। ये थे ना? चलो ठीक हो, बताओ क्या? रेजर पानी जी जी। कौन सी चीज लेनी है? 5 की। ये वो बच्ची किधर गई है? अपना स्केल इधर छोड़ गई है। वो एक बच्ची नहीं खड़ी थी, उसको इधर बुलाओ, को अपना स्केल इधर छोड़ गई है वो। मार्कर कौन सा, ब्लू या ब्लैक? ब्लू। ये लो ब्लू मार्कर। बकाया ये 10 के दादा।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमी खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, दुकानदारी भी हमने कर ली और मैंने आपको दिखाई, और ये रोज़ की रूटीन है, सुबह इस तरह से मैंने दुकानदारी करनी होती है। और अभी जो है वो नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर घर का काम वगैरह ख़त्म करेंगे। मुझे पढ़ाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रखो अलिफ। शाबाश, बैठ के याद करो। तो फाइनली नाश्ता वगैरह करके जो है वो मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, और मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी दिन से ना डाउन डाउन सी है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो मतलब मैं अपने आप को उसे शो नहीं करवाती बहुत ज़्यादा कि मेरी तबीयत ख़राब हो, तो घर वालों को भी, क्योंकि फिर जो बातें सुननी पड़ती हैं उससे बेहतर होता है कि बंदा खामोश रहे। तो मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि दिमाग की मेडिसिन जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी आपने, और बाकी मेडिसिन छोड़ भी दो तो ये वाली टैबलेट जो है ना, ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी आपने। तो ये वाली मेडिसिन भी मैंने काफ़ी दिन से छोड़ी हुई थी, मतलब इतनी मसरूफियत थी याद ही नहीं रहती थी। तो ये देखिए, ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा उबैद ने लेके रखी हुई है कि ये एक मेडिसिन एक गोली कभी नाखा नहीं हो, वरना तबीयत जितनी ख़राब होती है ना फिर अल्लाह बना दे। तो ये सेम है, बस ये इनका फार्मूला देखें, ये और ये इनका फार्मूला देखिए, ये सेम है, बस ये नेम चेंज है। तो ये किसी ने कहा था कि एयरफोर्स वालों से मंगवाओ ना, मतलब पाक आर्मी की, वो उससे मंगवाओ तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो ज़्यादा असर करती हैं। तो ये उनसे मंगवाई हैं, और ये जो है ये लोकल बाज़ार से ली हैं। तो दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लग गई है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। अभी जो है वो हम लोग दोपहर की चाय पी रहे हैं, ढाई बज चुके हैं। सुबह जो मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग शूट किया था उसके बाद जो है वो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैंने घर का काम ख़त्म किया और फिर मैं लेट गई थी। अभी भी मैं बिस्तर के अंदर ही हूँ, अभी मैंने मेडिसिन ली है और चाय पी है, फिर थोड़ी देर लेटती हूँ ताकि तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, फुल एनर्जेटिक हो के आप लोगों के लिए व्लॉग जो है वो शूट कर सकूँ। तो आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला अजला अता फरमाए, आमीन। अभी जो है वो 6:15 हो चुके हैं और अभी मैं यहाँ पे दूध पीने लगी हूँ। यहाँ पे दूध लिया मैंने एक कप के अंदर, और साथ ही वाली फक्की है, इसकी रेसिपी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि हस्बैंड वाइफ ने मिलकर रेमेडी बनाई थी जो हमने, ये वो वाली है। और इसके साथ ही एक और है, ये दिमाग के लिए जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो जब से मैंने ये वाली स्टार्ट की है ना, तब से जो मेरा हेडेक होता था बहुत ही ज़्यादा होता था ना, बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, वो अब ख़त्म हो गया। तो मैं असर के टाइम इतना सा दूध लेती हूँ, साथ एक चम्मच ये ले लेती हूँ, एक चम्मच ये लेती हूँ, तो फिर वो हेडेक जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर होता है वो ठीक हो जाता। अच्छा, वो अभी ले लेते हैं। तो अभी जो है वो तकरीबन 6:15 का टाइम है, मगरिब की अजान हो गई है, मैं भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो को एंड कर लूँ, फिर जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ। बच्चे भी सपारा पढ़ के आ गए हैं, खाना जो है वो भाभी ने बना दिया है। तो क्योंकि आई तबीयत ख़राब थी तो मैं बस लेटी ही रही हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं काम, कोई काम भी नहीं हुआ मुझसे, तो बस मैं लेटी ही रही हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है तबीयत पहले से, तो बस दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि भाभी ने कल चले जाना है। तो फिर सारे घर का बर्डन जो है, सारे घर का काम जो है वो मैंने अकेले नहीं करना है, सारा बर्डन मुझ पर आ जाएगा। तो बस यही कुछ था आज के लिए, कुछ ख़ास शूटिंग किया मैंने, लेकिन जितना कुछ था इसी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए आए हैं, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।